करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं बना रही हूँ क्रीम चीज़ बिस्कुट कुकीज़, जिसके लिए मैंने बटर लिया है 3/4 कप। क्रीम चीज़ है ये कीरी वाली क्यूब्स में ना, ये मैंने ली है 115, ठीक है। इनको मैं अच्छा सा बीट करूँगी दोनों को। पहले मैं इनको बीट कर लूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए, फिर वनीला एसेंस जाएगा 1 टीस्पून। पहले मैं इनको बीट करती हूँ। सॉफ्ट बटर है और सॉफ्ट क्रीम चीज़ है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। वन टीस्पून वनीला एसेंस चला गया। शुगर है मेरे पास, पिसी भी शुगर है मेरे पास, नॉर्मल घर में जो इस्तेमाल होती है उसको मैंने पीस लिया। और ये है 1 कप + 1 टेबलस्पून, थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी मैं इसमें और इसको बीट करूंगी। दो एग योक चले गए, अब ये लास्ट एग अब ये मेरे पास 2.5 कप मैदा है, 2.5 कप। सॉल्ट है इसमें 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर है 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून, ठीक है। ये मैंने सब चीज़ें इसमें मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसमें इनको मिक्स करूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, ठीक है। अब रिमेनिंग मैदा इसमें जाएगा और मैं इसको मिक्स करूँगी। ये मेरे पास लोटस बिस्किट है 21-22, इनके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब ये इसमें जाएंगे और इनको मैं स्पैचुला से मिक्स करूंगी। अब मैं ये स्पून की मदद से ऐसे ही मैं इनके बॉल्स बना के और इनको ट्रे में रखती जाऊंगी, ठीक है। बाद में हम इसको फिंगर की मदद से इवन कर लेंगे, ठीक है। मैं इस तरह बनाती हूँ। ये देखिए मैंने सारी ट्रे में अब लगा दिए। अब मैं इसको 170 पे 75 पे बेक करूँगी 15 मिनट। आप अपने ओवन के हिसाब से देख लीजिएगा 15 to 20 मिनट। 15 मिनट में मुझे पूरी उम्मीद है कि रेडी हो जाएंगे, बल्कि कम टाइम में, ठीक है। मैं इन्हें बेक करने के लिए रखती हूँ। लोटस बिस्कुट कुकीज़ तैयार है और मैंने डिश आउट कर दी है। ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, बच्चे बहुत खुश होंगे, ठीक है। जज़ाकअल्लाह।